डियर स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट टॉपिक इज मल्टीप्लिकेशन ऑन द नंबर लाइन। अब हम नंबर लाइन पे जो है वो मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन करेंगे, जैसे हमने एडिशन भी नंबर लाइन पे किया था, सब्सट्रैक्शन एज इट इज। हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑन द नंबर लाइन। सो हेयर फर्स्ट क्वेश्चन इज 2 + 2 + 2 इक्वल टू 6। तो हमने क्या किया सबसे पहले 2, देन नेक्स्ट 2, देन नेक्स्ट 2। 2 + 2 + 2 क्या आ गया हमारे पास 6। और इसको हम कैसे कर सकते हैं, 1 2 3 3 टाइम्स हमारे पास क्या है 2, तो ये हमारे पास आ गया 6। एज इट इज हम नेक्स्ट करेंगे 1 2 0 1 2 3, तो यहाँ फर्स्ट आ गया 3, उसके बाद 1 2 3, नेक्स्ट भी हमारे पास 3 है, नेक्स्ट 1 2 3, नेक्स्ट अगेन क्या है 3। तो 3 + 3 + 3 कहाँ आ गया, क्या आ गया हमारे पास 9। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1 2 3, 3 टाइम्स हमारे पास क्या है 3, तो 3 3 = 9। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 0 1 2, सबसे पहले है 2, उसके बाद 1 2, नेक्स्ट ऑल्सो 2, नेक्स्ट 1 2, नेक्स्ट 1 2, नेक्स्ट 1 2, तो ये हमारे पास क्या है 2 2 2 + 2 + 2 + 2 + 2, तो ये हमारे पास क्या आ गया 10। एंड नेक्स्ट इज 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स हमारे पास क्या है 2, तो 5 2 = 10। नेक्स्ट है 0 1 2 3, उसके बाद 1 2 3, देन 1 2 3, देन 1 2 3, तो हमने अब 3 + 3 + 3 + 3 के, तो हमारे पास क्या आंसर आया लास्ट में 12। और यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4, 4 टाइम्स हमारे पास क्या है 3, तो 4 3 = क्या आ गया हमारे पास 12। आई होप आप सबको समझ आ गया कि हमने नंबर लाइन पे जो है मल्टीप्लिकेशन कैसे करा। सो हेयर नेक्स्ट वन इज 1 2 3 4 5 6, तो हमारे पास यहाँ पे 3 कितने टाइम्स है 6, तो 3 6 = 18। नेक्स्ट है हमारे पास क्या है 4 है, 1 2 3 4 5 6 7, कितने बार है 7 टाइम्स है, तो 4 7 = 28। नेक्स्ट वन इज 5 है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितनी बार है 8 टाइम्स, तो 8 5 8 = 40। नेक्स्ट वन इज 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हाउ मेनी टाइम्स 9 टाइम्स, 8 9 = 72। नेक्स्ट वन इज 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हाउ मेनी टाइम्स 10 टाइम्स, 9 10 = 90। तो आई होप आप सबको समझ आ गया कि हमने ये क्वेश्चन जो है वो कैसे सॉल्व किए। तो आपने एक बार रिवाइज करके जो है वो अपनी बुक पे जो है बुक वर्क कंप्लीट कर लेना है। ओके, थैंक यू।